गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स इज गोइंग ऑन एंड वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 10.2। इन आवर प्रीवियस क्लासेस वी हैव सॉल्व्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 7 एज वेल एज एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ओके। एंड इन आवर टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 8th एंड क्वेश्चन नंबर 11th बोथ द क्वेश्चंस आर समवॉट सेम, सो टुडे वी विल स्टडी बोथ द क्वेश्चंस टुगेदर फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। So take out your NCERT book and read out question number 8. A quadrilateral ABCD, is given, is drawn to circumscribe a circle. What do you mean by this word circumscribe? Circumscribe karna matlab, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Yani ki ek quadrilateral hai, jo circle ko circumscribe kar raha hai. It means, wo jo circle hai, wo quadrilateral ke andar pack hai. Pack, is sense mein pack nahi hai. पैक करना मतलब जो क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स हैं वो सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। अ क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन ए बी सी डी विथ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, ये लाइन यहाँ तो डायग्राम गिवन है क्वेश्चन में। बाई चांस अगर डायग्राम गिवन नहीं है तो क्या करोगे आप, आपको समझना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दिया गया है जो ड्रॉ किया गया है इस तरीके से कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कल को सर्कमस्क्राइब करना मतलब सर्कल उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर इस तरीके से पैक है कि चारों साइड्स सर्कल को कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। और यही अगर मैं ये बोलूं अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इंस्क्राइब्ड मतलब क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है, यानी कि वो इस तरीके से ड्रॉ किया गया है। इंस्क्राइब्ड मतलब क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर इस तरीके से है, ठीक है। इंस्क्राइब का मतलब ये नहीं कि ये आ गया क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर, नो, इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस हैं वो सर्कल को किसी ना किसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं। आई बस इन्होंने इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब का मीनिंग ध्यान से पढ़ के ही आप क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको सभी समझ में आएगा तभी आप सही कर पाएंगे। तो यहाँ आपको दिया गया है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है क्वाड्रिलेटरल ने इस तरीके से किया कि चारों के चारों साइड सर्कल को पॉइंट पी क्यू आर और एस पे टच कर रही हैं। तो बोल रहे हैं प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी आपको प्रूव करना है। 10th क्लास बहुत ही ईजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईजी के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है। अब देखिए हम प्रूव करते हैं वॉट इज गिवन, वो सारी चीज़ें मैं नहीं लिख रही हूँ, आप अपने आप लिखेंगे उनको चीज़ों को। अब देखिए वी नो दैट, स्टार्टिंग में ही हम रीज़न दे देंगे तो बार बार रीज़न नहीं देना पड़ेगा। वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, अगर आप किसी एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट डालते हो तो उनकी लेंथ इक्वल आएगी। अब यहाँ देखिए कितने पेयर ऑफ टेंजेंट्स बन रहे हैं जो इक्वल है। देखिए ए एक्सटीरियर पॉइंट है, ए से ए पी और ए एस ये दो टेंजेंट बन रहे हैं, ये सिर्फ इतना पूरा लेंथ नहीं आएगा, सिर्फ एक्सटीरियर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक बस। तो ए पी एंड ए एस दीज टू आर टेंजेंट ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट ए, दे आर इक्वल। सिमिलरली बी एक्सटीरियर पॉइंट है तो बी पी एंड बी क्यू दे विल ऑल्सो बी इक्वल। ऐसे ही सी एक्सटीरियर पॉइंट है तो यहाँ से सी क्यू एंड सी आर दीज टू टेंजेंट्स आर इक्वल। एंड इन द सेम वे डी एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से आपको मिलेगा डी आर एंड डी एस दीज आर ऑल्सो इक्वल टेंजेंट। तो इतने आपको इक्वल टेंजेंट के पेयर यहाँ से मिल रहे हैं, बस उनको लिखना तरीके से है ताकि ऐड करने के बाद आपको पूरी पूरी साइड मिल जाए, ये ध्यान रखना है। तो रीज़न हम स्टार्टिंग में दे देते हैं, एज वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो अब देखिए एज हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट्स आपने टेंजेंट डाला तो उनकी लेंथ इक्वल आएगी, सो हमने लिखा ए पी इक्वल्स टू ए एस, सो ए पी इक्वल्स टू ए एस फर्स्ट इक्वेशन। अब 10th क्लास बस लिखना ही ध्यान से, ठीक है। आप देख रहे हो आपको जो प्रूव करना उसमें कोई टुकड़े नहीं आ रहे साइड के, पूरी पूरी साइड आ रही है, ए बी प्लस सी डी, ए बी पूरी साइड प्लस सी डी, और वहाँ से आ रहा है राइट साइड में आ रहा है ए डी प्लस बी सी, पूरी पूरी साइड आ रही है। इट मीन्स जब आप यहाँ टेंजेंट्स के लिए जो इक्वेशन लिखोगे वो इस तरीके से लिखना है कि जब हम उन इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक अपनों को साइड मिले। अब देखिए कैसे,
एपी इक्वल्स टू ए एस, एपी इक्वल्स टू ए एस। अब जब दूसरी इक्वेशन लिखोगे तो ऐसे लिखोगे कि बीपी किस साइड आए, उसी साइड आए जिस साइड एपी लिखा हुआ है, ताकि जब एपी में बीपी ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा एबी। आ रही मेरी बात समझ में? बस लिखना तरीके से है, फर्स्ट आपने कैसे भी लिख दिया, अब सेकंड मुझे लिखना है। तो बीपी इज इक्वल टू बीक्यू है, तो बीपी को मैंने इस तरफ लिखा जिस तरफ एपी है, ताकि जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें पूरी साइड क्या मिल जाएगी, एबी मिल जाएगी। ठीक है, तो बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड अपने दिमाग में सोचिए क्या आएगा, BQ राइट साइड में है ना, तो CQ भी राइट साइड में आएगा। CQ इज इक्वल टू CR, CQ इज इक्वल टू CR। ध्यान बस ये रखिएगा, जब हम ऐड करेंगे तो हमें पूरी साइड मिल रही है नहीं मिल रही, BQ में CQ ऐड करोगे आप तो BC मिल रहा है ना, दैट्स इट। अब CR लेफ्ट साइड में आ गया, तो DR इज इक्वल टू DS, तो DR भी किधर आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा, DR इज इक्वल टू DS। आप एक साइड चेक करते रहो, एक साइड से अगर एक लेफ्ट साइड चेक कर लिया आपने, यहाँ से दो साइड मिल रही है तो यहाँ से अपने आप ही मिलेगी, अपने आप मिलेगी। ये नहीं कि यहाँ पे भी देखना है, यहाँ पे भी देखना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नहीं। आप एक साइड देखो, एपी लिखा मैंने लेफ्ट में, तो एपी इज इक्वल टू एएस आ गया, तो यहाँ पे एपी है तो मुझे आगे यहाँ से बीपी ही लेना है, तो मैंने ले लिया बीपी, इस तरफ ले लिया लेफ्ट साइड में, इज इक्वल टू बीक्यू। फिर आपने देखा कि ये तो एबी साइड पूरी मिल गई, फिर हमें चाहिए यहाँ पे सीआर इज इक्वल टू सीक्यू, तो CR इज इक्वल टू CQ। अब CR अगर लेफ्ट में है तो DR इज इक्वल टू DS, DR को भी उधर लिख लिया। जब ये साइड आपने देख ली तो ये अपने आप ही सही आएगी। देखिए अब कैसे, वी गॉट ऑल फोर इक्वेशन, नाउ बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों इक्वेशन को आप ऐड कीजिए, लेफ्ट साइड विल बी एडिड टू लेफ्ट एंड राइट साइड विल बी एडिड टू राइट साइड। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड किया तो ये आ गया एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। अब ऐड कीजिए, देखिए एपी प्लस बीपी, डायग्राम में देखो एपी में आपने बीपी ऐड किया तो वी विल गेट एबी। सीआर प्लस डीआर, CR में आपने DR ऐड किया तो क्या मिला, CD। यहाँ देखिए AS प्लस DS, AS में DS ऐड किया तो क्या मिल गया, पूरा AD प्लस BQ प्लस CQ, BQ में CQ ऐड किया तो क्या मिल गया, BC। Hence proved AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, है ना इजी। बस ध्यान रखना है इनका अरेंजमेंट कैसे करें, और कोई दिक्कत नहीं है। पूरे क्वेश्चन में सिंगल कंसेप्ट लग रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, आपने टेंजेंट तरीके से लिखे, ऐड करते के साथ ही आपका आंसर आ रहा है। ओके, अब जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11th है वो भी इस जैसा ही है, यानी कि इतना काम तो उसमें भी करना पड़ेगा, तो पहले 8th के बाद अपन सीधा 11th क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन, जो उन्होंने 8th क्वेश्चन में सॉल्व किया उतना तो करना ही है उसमें, अब थोड़ा सा आगे और ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। प्रूव कीजिए कि अगर किसी पैरेललोग्राम ने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है तो वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल हैज नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी 10 क्लास, सिंपली इट इज अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। बट हियर इन दिस 11th क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, अब पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, मतलब कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है जिसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है। प्रूव कीजिए कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। वी नो दैट पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने के लिए वी हैव टू प्रूव ओनली वन थिंग, दैट ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल। हमें पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, तो आपको ये तो पता है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, आपको उसको पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है तो आपको यहाँ चारों साइड इक्वल प्रूव करनी पड़ेगी। आपको पता है कि एज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये इन्फॉर्मेशन अपने पास एक्स्ट्रा है। क्वेश्चन नंबर 8 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास दी हुई है, अपनों को प्रूव करना क्या उसको रोम्बस, मतलब कि चारों साइड इक्वल है, ये अपनों को प्रूव करना है।
अब इस क्वेश्चन 11th को सॉल्व करने के लिए ये पूरा प्रोसेस सेम है जो अपनों ने 8th में किया था. एज वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, तो आपने तरीके से साइड रखी, चारों क्वेश्चन को ऐड किया, ऐड करके ये मिल गया. अब इतना करने के बाद देखिए, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी. ए बी एंड सी डी बोथ आर इक्वल एज इट इज गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. तो कैन वी रिप्लेस सी डी बाई ए बी और ए बी बाई सी डी, कर सकते हैं रिप्लेस बिकॉज इट इज गिवन. तो आपने किया ए बी प्लस सी डी को रिप्लेस किया किससे, ए बी से. ऐसे ही राइट साइड में रखिए, ए डी प्लस बी सी, ए डी एंड बी सी बोथ आर इक्वल, सो वी कैन रिप्लेस ए डी बाई बी सी और बी सी बाई ए डी. आप ए डी को बी सी से या बी सी को ए डी से रिप्लेस कर सकते हैं. तो मैं ए डी को रिप्लेस कर रही हूँ किससे, बी सी से, बी सी प्लस बी सी. ब्रैकेट में आप रीजन देंगे, एज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ठीक है, ए बी प्लस ए बी, टू ए बी, बी सी प्लस बी सी, टू बी सी, टू विल बी कैंसल्ड आउट. तो ए बी इज इक्वल टू बी सी. डायग्राम पे देखिए, आपने प्रूव किया ए बी इज इक्वल टू बी सी. दीज टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं. और अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल है 10th क्लास, तो अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल दी हुई है, ए बी इक्वल्स टू सी डी है, ये गिवन है, ए डी इज इक्वल टू बी सी है, ये भी गिवन है. और अभी हमने प्रूव कर दिया कि ए बी एंड बी सी दीज एडजेसेंट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. इट शोज दैट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. और अगर चारों साइड इक्वल हैं तो कैन वी से दैट दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस. बस इतना ही प्रूव करना है. तो यहाँ आपने प्रूव कर दिया ए बी इज इक्वल टू बी सी. सो इसको आप लेबल कर सकते हैं एज इक्वेशन ए, और इसको आपने लेबल कर दिया एज इक्वेशन बी, बिकॉज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आप ऑलरेडी नाम दे चुके हो. तो उसको आप ए बी पी क्यू, आप इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे भी कर सकते हैं. तो आपने लिखा फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, ए एंड बी से हमें क्या मिलेगा, देखो ए बी बी सी के इक्वल है और ए बी सी डी के भी इक्वल है, और ए बी बी सी के इक्वल है और बी सी ए डी के भी इक्वल है. सो ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल. सो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी वी विल गेट ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए. सो ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस. इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सी डी क्या हो गया, रोम्बस. किसी पैरेललोग्राम की अगर चारों साइड इक्वल हैं देन दैट फिगर इज नोन एज रोम्बस. बिल्कुल 8th क्वेश्चन जैसे ही था, काफ़ी सारा काम तो उन्होंने 8th क्वेश्चन में कर लिया था यहाँ तक. बस साइड चेंज करनी थी आपको, इसमें इतना एक्स्ट्रा था. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो सी डी को रिप्लेस कर दिया ए बी से और राइट साइड में ए डी को रिप्लेस कर दिया बी सी से. जब सॉल्व किया ए बी में ए बी ऐड किया, टू ए बी आ गया, बी सी प्लस बी सी, टू बी सी, टू विल बी कैंसल्ड आउट. यहाँ से प्रूव किया आपने कि ए बी इक्वल्स टू बी सी, और इतना प्रूव करना सफिशेंट है. ए बी और बी सी ये दोनों आपस में इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, चारों साइड इक्वल आ गई, चारों साइड इक्वल आते के साथ ही फिगर बन गई तो हम बस. ठीक है, नाउ लुक एट दिस एक्स्ट्रा क्वेश्चन 10th क्लास. इन दिस गिवन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट इन द गिवन फिगर लेंथ ऑफ टेंजेंट पी बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. पी बी इज अ टेंजेंट टू गिवन सर्कल विथ सेंटर ओ, इट्स लेंथ इज गिवन 10 सेंटीमीटर. इसकी लेंथ दी हुई 10 सेंटीमीटर. If PB is 10 centimeter, then PA will also be 10 centimeter. बोल रहे हैं find the perimeter of triangle PXY. PXY एक triangle है, इसका perimeter आपको find करना है. Only one information is known to us that length of tangent PB is 10 centimeter. सिर्फ इस information को use करके आपको ट्राइंगल पी एक्स वाई का पैरीमीटर निकालना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे बेस्ड, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू का, कई बार इसी पे वेरिएबल की फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है, सेम कंसेप्ट फॉलो होता है. ठीक है, अब देखिए समझिए इसको. कैन वी से दैट पी बी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बिकॉज length of tangent drawn through
एक्सटर्नल पॉइंट्स आपने जो टेंजेंट डाला उसकी लेंथ इक्वल आएगी। तो पी बी इक्वल्स टू पी ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से इस डायग्राम को देखिए 10th क्लास। एज आपने ये देखा कि पी इज एक्सटीरियर पॉइंट, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल। वैसे ही वॉट कैन यू से अबाउट दिस पॉइंट एक्स, क्या ये पॉइंट एक्स सर्कल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है? और अगर ये सर्कल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है और यहाँ से कोई दो टेंजेंट डल रहे हैं तो उनकी लेंथ इक्वल आएगी आएगी। देखिए एक्स बी एंड एक्स क्यू, दीज टू आर टेंजेंट्स ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट एक्स, तो लेंथ ऑफ दीज टू टेंजेंट्स मस्ट बी इक्वल। सिमिलरली दिस सेम कंसेप्ट इज फॉलोड हेयर फॉर वाई ऑल्सो। यहाँ देखिए सर्कल के लिए वाई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो वाई से टेंजेंट कौन कौन से डल रहे हैं? वाई क्यू एंड वाई ए। क्या इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल आएगी? बिकॉज वही सेम कंसेप्ट, वाई इज एक्सटर्नल पॉइंट फॉर सर्कल एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो यहाँ से पी बी इक्वल्स टू पी ए के अलावा आपको और भी टेंजेंट्स मिल रहे हैं जिनकी लेंथ इक्वल है। तो एक्स बी इक्वल्स टू एक्स क्यू, अब ये है कितना दैट इज नॉट नोन टू अस, वो नहीं पता अपने को, हम फाइंड करेंगे। वाई ए इक्वल्स टू वाई क्यू, ये भी कितना है ये भी नहीं पता अपने को, ठीक है ना। अब यहाँ से अपने को हेल्प मिलेगी ट्राइंगल पी एक्स वाई का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब देखिए आगे आप लिखेंगे सिमिलरली एक्स बी इक्वल्स टू एक्स क्यू इज इक्वल टू, उसको स्मॉल ए ले लेते हैं, ठीक है। एक्स बी इक्वल्स टू एक्स क्यू इक्वल्स टू स्मॉल ए, सिमिलरली लिख दिया तो रीजन दोबारा देने की जरूरत नहीं है। एंड वाई ए इक्वल्स टू वाई क्यू इक्वल्स टू बी, इसको बी ले लिया आपने, स्मॉल बी ले लिया, तो ये लेंथ बी हो गई और ये लेंथ हो गई ए यूनिट्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए अब कितना इजी है ये क्वेश्चन। आपको जब पता है कि आपको पेरीमीटर निकालना है ट्राइंगल पी एक्स वाई का, इट मीन्स आपको इस ट्राइंगल की साइड पी एक्स एक्स वाई और पी वाई इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। तो आपको एक साइड तो मिल गई, एक्स वाई तो मिल गई ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, तो पूरी लेंथ होगी ए प्लस बी। क्या आप पी एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते और वैसे ही पी बी की वैल्यू नहीं निकाल सकते? वेरिएबल की फॉर्म में ये ए दिया हुआ है, पूरी लेंथ पी बी कितनी है 10 सेंटीमीटर गिवन है, एक्स बी कितना है ए यूनिट्स अभी आपने फाइंड किया है, तो पी एक्स कितना हो गया 10 माइनस ए नहीं हो गया, है ना। ऐसे ही पी ए पूरा कितना है 10 सेंटीमीटर, वाई ए अभी आपने फाइंड किया बी यूनिट्स, तो पी वाई कितना हो गया 10 माइनस बी, तो ये 10 माइनस ए मिल गई साइड, ये 10 माइनस बी मिल गई साइड और ये मिल गई ए प्लस बी। नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री साइड्स वी कैन गेट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई, लेकिन पहले आप इसको लिखेंगे। नाउ पी बी कैन बी रिटन एज पी एक्स प्लस एक्स बी, पेरीमीटर जिस ट्राइंगल का निकालना है उसमें साइड आ रही है पी एक्स, तो आपको पी एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाकी दोनों वैल्यूज आप रख दीजिए जो आपको इनके बारे में पता है। पी बी आपको दिया हुआ है 10 इक्वल्स टू पी एक्स वी नीड टू फाइंड आउट प्लस एक्स बी आपने अभी फाइंड किया ए, इनको आप ए यूनिट्स लिख सकते हैं, ए यूनिट यूनिट्स, वैसे आप सेंटीमीटर लगा सकते हैं बिकॉज क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपने यूनिट लगाया या सेंटीमीटर लगाया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक्स बी को क्या रखा आपने ए, फाइंड पी एक्स, पी एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस ए सेंटीमीटर। सिमिलरली सिमिलरली पी ए कैन बी रिटन एज पी वाई प्लस वाई ए, ट्राइंगल में साइड कौन सी आ रही है पी वाई आ रही है, तो आपको पी वाई की वैल्यू निकालनी है, तो पी ए कितना है 10, पी वाई अपनों को फाइंड करना है और वाई ए कितना है बी, बी को वहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो 10 माइनस बी इज इक्वल टू पी वाई, ठीक है। आपने साइड पी एक्स फाइंड कर ली, आपने साइड पी वाई फाइंड कर ली, यूनिट्स लगा दो यहाँ पे। नाउ अपनों को फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई।
Now perimeter of triangle PXY is equal to क्या होता है sum of all the three sides. तो PX plus XY plus PY तीनों साइड का सम. Now keep all the values which we have found already. तो PX को आपने रिप्लेस किया किससे 10 माइनस ए से जो आप यहाँ फाइंड कर चुके हैं. ठीक है XY कितना है XQ प्लस QY यहाँ लिख लो आप XY इज इक्वल टू XQ प्लस QY. नाउ की वैल्यूज XY इज इक्वल टू XQ कितना है A और QY कितना है B. A प्लस B सेंटीमीटर. नाउ कीप एक्स वाई को आपने रिप्लेस किया ए प्लस बी से प्लस पी वाई को आपने रिप्लेस किया 10 माइनस बी से. सॉल्व इट नाउ. देखो बी नेगेटिव बी पॉजिटिव कट गया ए नेगेटिव ए पॉजिटिव कट गया. सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 10 बाकी सारी चीज़ें कट गई. देखो तो 10 प्लस 12 20 सेंटीमीटर. ये आ गया आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई. आई बात समझ में इजी है ना. बिल्कुल सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज गिवन 10 सेंटीमीटर और आपको ये पता है कि जब आपको ट्राइंगल पी एक्स वाई का पेरीमीटर फाइंड करना है तो एक्स और वाई दोनों ही सर्कल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट है. एक्स से दो टेंजेंट आए एक्स बी और एक्स क्यू उनकी लेंथ इक्वल आई. उनको आपने वेरिएबल ए मान लिया एक्स मान लिया जेड मान लिया आपकी मर्जी है. वैसे ही y जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहाँ से वाई क्यू इक्वल्स टू वाई ए आया तो इनको आपने b मान लिया. अब आपको ये पता है कि पी एक्स वाई जिस ट्राइंगल का पैरीमीटर आपको फाइंड करना है उसमें जो जो साइड आ रही है अपने को वो पता होनी चाहिए. तो पी एक्स साइड की वैल्यू आपने फाइंड करी पूरे पी बी में से आपने एक्स बी को डिडक्ट कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वहाँ से आपको पी एक्स मिल गया 10 माइनस ए. ठीक है ऐसे ही पी वाई जब फाइंड किया तो पूरे पी ए में से आपने वाई ए डिडक्ट कर दिया तो आपको वहाँ से पी वाई मिल गया 10 माइनस बी. और एक्स वाई आप ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके हैं ए प्लस बी बिकॉज ये लेंथ ए है ये लेंथ बी है मिला के हो गई ए प्लस बी. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस पी वाई. जब वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर. यानी कि अब यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऐसा भी बन सकता है कि मान लो आपको टेंजेंट की लेंथ नहीं दी हुई और क्वेश्चन न्यूमेरिकली ना आके ये आ गया कि प्रूव दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई इज ट्वाइस ऑफ पी बी. मान लो ये आ गया क्वेश्चन आपने ध्यान दिया पेरीमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर उसका डबल आया. तो क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ना देके डायरेक्टली ऐसे पूछे कि प्रूव कीजिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी बी पी बी का ट्वाइस है तो आप सॉल्व करने का तरीका तो यही रहेगा ऐसे ही. या फिर ये आ गया प्रूव दैट पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी एक्स वाई. कंसेप्ट सेम है मैथड सेम है बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देंगे तो भी सॉल्यूशन ऐसे ही होगा. ठीक है सो इन आवर टुडेज क्लास वी हैव स्टडीड क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 11 दोनों क्वेश्चन लगभग सेम थे और उसी कंसेप्ट पे बेस मैंने आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इस कंसेप्ट पे बेस मैंने आपको आज ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझा दिया. ठीक है सो प्लीज रिवाइज ऑल द टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस्ड टुडे. थैंक यू.